यस, यू कैन प्रोसीड टू प्रोसीड। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे आखिर में ये तोहफा खोलूंगा, लेकिन अभी चूंकि शुभम ने बता दिया है कि वो नौकरी करते थे, बहुत टेंशन में रहते थे और भी छोड़ दी उन्होंने, तो मुझे लगा कि यही मौका है जब मैं ये बात बताऊं कि अमेज़न प्राइम वीडियो पे एक सीरीज है मॉडर्न लव, और इसमें वल्गर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सच्ची जिंदगी की घटनाएं हैं, लोगों की प्रेम कहानियां, लोगों की प्रेम जीवन से जुड़ी घटनाएं, सच्ची घटनाएं। और उसमें एक एपिसोड 3 है, सीजन 1 में एपिसोड 3 वो एक लड़की के बारे में है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और बाइपोलर को छिपाने के चक्कर में वो क्या क्या मुश्किलें झेलती है, क्या होता है। आखिर में वो थक हार के एक दिन अपने ऑफिस में अपनी कलीग को, जो कि महिला थी, उसको बता देती कि मुझे बाइपोलर है, और उसकी जिंदगी उसकी बदलती है। तो इसलिए मैंने शुभम से इसलिए मैं शुभम कुमार से कह रहा था कि आप वो एपिसोड जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर एपिसोड है, और पूरी कहानी जो है वो लगभग 35-40 मिनट में समेट दी है। यानी वो सीजन में कोई एक कहानी नहीं, वो सीजन में हर एपिसोड अपने आप में पूरी कहानी है, और एपिसोड 3 जो है वो अपने आप में पूरी कहानी एक लड़की की जो एकदम आपी की तरह जीवन में संघर्ष कर रही है, डेटिंग पे जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसको बाइपोलर की प्रॉब्लम है। तो क्या कोई यहाँ जानता है कि बाइपोलर प्रॉब्लम क्या होती है, कैसी दिखती है, क्या होता है उसमें? I have some knowledge about it. हाँ So जी what I जी जी know is कि it is about some kind of two extremes or two types of moods which जी come which show up in a personality. What I हाँ know. एकदम एकदम सच, एकदम सही बताया हरीश भाई ने कि जैसे धरती के दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आदमी का मूड जब उत्तरी ध्रुव में होता है तो बहुत खुश होता है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी, यस बहुत सर, कम्युनिकेटिव, खूब बातें करेगा, हर बात समझेगा भी, सारे काम फटाफट कर डालेगा। और जब वो दक्षिणी ध्रुव में आता है उसका मूड, तो बहुत ही डाउन होता है, तब वो उसको उठकर सेलफोन अटेंड करना भी असंभव लगता है, वो बिस्तर में पड़ा रहता है 6-6 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन। तो इस लड़की की यही समस्या है। तो वो एक लड़के से मिलती है एक दिन, जब वो हाई मूड में थी, तो वो जब वो बहुत खुश है, चहक रही है, एक लड़के से मिलती है फल सब्जी वगैरह खरीदते हुए, और वो लड़का उसको इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि ये लड़की इतनी इतनी फुल ऑफ लाइफ, और उसको उससे प्रेम हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद उसको डेट के लिए बुलाती है, तो जब वो डेट की तारीख आती है तो उस समय वो डाउन मूड में है। और उस लड़के को यकीन नहीं आता है कि ये वही लड़की है जिससे मुझे इतना प्रेम हो गया था, जो पूरी जिंदगी से इस कदर भरी हुई थी जोश से, और ये क्या बात है। तो वो उससे पूछता भी है कि तुम कहीं दो जुड़वा बहने तो नहीं हो, कि गलती से मैं उस दूसरी बहन से मिला था जो बहुत खुश मिजाज थी, और अब मैं तुमसे मिल रहा हूँ गलती से, और तुम एकदम एकदम ही फर्क इंसान हो। तो हकलाने वाले भी ऐसे ही करते हैं कई बार, पहली बार में इंटरव्यू में बॉस के लिए इंप्रेस क्रिएट करने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, और बाद में जब हकलाते हैं तो बॉस देखता है गौर से, ये वही लड़का है जिसकी मैंने भर्ती करी थी। ये उसका जुड़वा भाई तो नहीं है कहीं? तो वो लड़की आखिर में जूझती रहती कि मैं कैसे कहूं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। और वहां पे ऑफिस में भी जो उसकी जो एचआर मैनेजर, वो कहते हैं भाई तुम 7 दिन में 4 दिन तुम आते नहीं हो ऑफिस, और मैं पूछता हूँ क्या बात है, तो कहती हूँ मैं बीमार हूँ। ये कौन सी बीमारी जो हर हफ्ते हो जाती है? पर आखिर में वो लड़की अपना दिल अपनी सहेली को बताती कि मेरे को बाइपोलर प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसका असर क्या होता है ये कहने का, वो मजेदार है, देखने लायक है। मैं वो क्लाइमेक्स शेयर नहीं करूंगा ताकि आप लोग देखें उसको एक्चुअली, और देख के आप जानिए और सोचिए कि ये मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो क्या किसी ने देखा है ये एपिसोड 3 मॉडर्न लव का सीजन 1? रवि आपने नहीं देखा? अच्छा, मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड है, और पूरी कहानी 40 मिनट के अंदर बयान कर दिए। तो आपको नहीं, सीरियल नहीं देखने, बस एक एपिसोड देख लेना, समझ आ जाएगा। वैसे तो इसके बाकी एपिसोड भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये देख रहा हूँ ये। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉलिंग इन लव विद एनीबडी नाउ, मगर इट्स गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लव इज ऑल अबाउट। मॉडर्न लव किस बारे में है, ये भला क्या है?
तो इसमें हर कहानी जो है बहुत ही रोचक है और वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो इट्स अ वर्थ ए वॉच। थैंक यू सो मच। ओके बैक टू हरीश। Thank you, sir, because you really shared a very nice story with me. To watch now for the weekend. We should definitely see it. I will see it definitely. Is it free for everyone or does it have a subscription? Amazon Prime, मेरे ख्याल से नीड से सब्सक्रिप्शन मंथली 30 से 100 रुपए ऐसा कुछ काफी कम है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी है। रवि बता देंगे। रवि हाँ रवि क्या है अमेज़न प्राइम वीडियो देखने के लिए? ये सर 129 मंथली है और 1,000 रुपए का पूरा पैक है अमेज़न प्राइम का। उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हो और आपका अमेज़न प्राइम वीडियो फ्री है, अमेज़न प्राइम म्यूजिक फ्री है और 2-3 चीज और है जैसे ऑडिबल है वो आपका 3 महीने के लिए फ्री है। तो काफी सब कुछ मिलता है उसमें। और 1 महीने के लिए अगर 129 रुपीज का भी हमने ले लिया तो कम से कम ये मॉडर्न लव आप लोग पूरा देख पाएंगे। दो सीजन है इसमें बड़े प्यार से और दोनों में बड़े अच्छे एपिसोड हैं, मतलब दिल को छू जाते हैं। सच्ची घटनाओं पे आधारित, मतलब कुछ काल्पनिक नहीं है, कुछ बॉलीवुडिश हॉलीवुडिश नहीं है, रियल लाइफ रियल पीपल रियल चैलेंजेस। सो लेट्स वॉच इट एंड वी एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Amazon, वी जस्ट वांट नो नो कंटेंट। No. So I just got a message from Rohit. He wants to leave early, so he will come and give me a book review now. Rohit Zadke, आज एक book review देने वाले हैं और जिस review देने वाले हैं उस book का नाम है संभाजी, जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र है। तो इसके बारे में रोहिल हमको बताएंगे कि उसका क्या अनुभव रहा और कैसे रहा इस बुक को पढ़ते हुए। रोहिल बैक ओवर टू यू। थैंक यू हरीश सर। सो फिर मैं ये बुक दिखाना चाहूंगा संभाजी बाय विश्वास पाटिल। सो विश्वास पाटिल एक खासकर महाराष्ट्र में काफी जाने माने लेखक है। उनको काफी पुरस्कार मिले हैं एंड उनकी जो ये नॉवेल है संभाजी वो भी काफी काफी चर्चित नॉवेल है। एंड तो फिर संभाजी महाराज पे बताने के लिए संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे थे और बचपन से ही उन्होंने अकेला रहना सीख लिया था क्योंकि क्योंकि जब वे सिर्फ 2 साल के थे उनकी माताजी गुजर गई थी और उनके पिता हमेशा कैंपेन्स में रहते थे। वो मुगलों से निजाम आदिलशाही ब्रिटिश इन सब से लड़ते रहते थे और जो उनकी एक सौतेली माँ थी वो भी पहले पहले उनसे काफी प्यार करती थी। पर जब उनकी सौतेली माँ को समझा कि जब कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी मिलेगी तो फिर वो उनसे नफरत करने लगी। और जो उनकी दादी थी जीजाऊ माता नहीं सॉरी जो उनकी दादी थी वो भी मतलब जल्दी गुजर गई थी। तो इसके लिए संभाजी महाराज का बचपन काफी मुश्किलों से भरा हुआ रहा। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब उनको बताया भी गया कि क्योंकि उनके राज्य में खासकर सभी मंत्री लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। कारण बस यही था क्योंकि वो काफी डिसिप्लिन थे। इसके लिए काफी मंत्री लोगों को पसंद नहीं आता था
और जो उनकी एक स्टेप मदर थी सिराबाई, वो बस अपने बेटे को गद्दी पे बैठाना चाहती थी। इसके लिए फिर उन्होंने दूर रहे तो, और खास बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को हमेशा बता के रखा था कि जो हमारे एम्पायर या फिर जिसे वो स्वराज्य बोलते थे, उनकी असली ताकत कोई तलवार या तोप नहीं, वो बस सामान्य लोग हैं जैसे कि हम रोज का ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, हम किसी बड़े आदमी के किसी रिलेटिव नहीं है। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी संभाजी महाराज को यही बताया था कि इस स्वराज्य का असली ताकत सामान्य लोग है। तो फिर इसके लिए अगर तुम सामान्य लोगों का सपोर्ट लाओगे तो फिर स्वराज्य भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। और फिर तो फिर बचपन से छत्रपति संभाजी महाराज उसी वो सामान्य लोगों के साथ ही रहते थे। उन्होंने देखा था कि जो उनके पिता शिवाजी महाराज के आर्मी के जनरल्स थे, वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग कम्युनिटी से थे, और वो सभी सामान्य लोग थे। तो फिर वो भी सामान्य लोगों के साथ ज्यादातर रहते थे। और फिर जब उनका देहांत हुआ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब उनके देहांत से पहले उन्होंने संभाजी महाराज को बता के रखा था कि मैंने औरंगजेब को काफी स्वराज्य से काफी दूर रखने का प्रयास किया है, बट वो आएंगे और काफी बड़ी तादाद में आएंगे। तो फिर जब जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था, तो फिर संभाजी महाराज अपने लोग उनके विरोध में हो गए। कोई बहुत ही कम लोग चाहते थे कि वो अगले छत्रपति बने, छत्रपति मतलब एम्पायर। तो फिर बतिल वो छत्रपति बने, और वो कैसे बने वो भी एक अच्छी जर्नी है। तो फिर वो आप खुद पढ़िएगा। तो फिर जब वे छत्रपति बने, उनके पास सेलिब्रेट करने का भी बिल्कुल चांस नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बहुत बड़ी मुगल आर्मी उनपे अटैक करने के लिए आने वाली है। और वो फाइनली वो दिन आ गया जब जब स्वराज्य पे 8 लाख से भी ज्यादा जब स्वराज्य की तरफ 8 लाख से भी ज्यादा मुगल सैनिक आ रहे थे, और मराठाओं की फौज थी सिर्फ 70 हजार, 70 से 80 हजार। आप शा, शा, शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये 8-9 लाख की फौज तो 70 हजार फौज को आराम से हरा सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि औरंगजेब की फौज इतनी बड़ी थी कि उस नॉवेल में लिखा है कि जब वो आर्मी डेक्कन की तरफ बढ़ रही थी, तब वो आर्मी का साइज था अप टू 20 माइल्स। 20 माइल्स मतलब 30 किलोमीटर से भी बड़ी बड़ी आर्मी। एक बार आप सोच के देखिए, 30 किलोमीटर से भी बड़ी आर्मी थी औरंगजेब की। और फिर मराठाओं के पास सिर्फ 70 से 80 हजार, और छत्रपति संभाजी महाराज के अगेंस्ट में सिर्फ मुगल्स नहीं थे, आदिल शाही रेजिम भी उनके अगेंस्ट, पोर्टुगीज सेना भी उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स भी उनके अगेंस्ट। तो फिर ये सब लोग
एक ही बंदे के एक ही राजा के अगेंस्ट थे जिसकी जिसकी सैन्य की ताकत थी सिर्फ 70,000 से 80,000 पर सह्याद्री पर सह्याद्री राजा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ थे। तो ये एक बहुत ही घना जंगल था, बहुत घना, वो इतना घना था कोई भी उसके उसके अंदर जाने से डरता था। तो फिर वो जंग चालू हो गई थी। जंगल में सब राजा लोग सिर्फ एक ही राजा के विरुद्ध थे। और आप मानोगे नहीं, जब ये सब राजा लोग सिर्फ एक ही राजा के विरोध में थे, छत्रपति संभाजी और उनकी आर्मी ने एक किला भी दुश्मन को लेने नहीं दिया। इतने वो सब लोग महाराज के इतने फेवर में थे, वो लड़ने मरने के लिए तैयार थे राजा के लिए, क्योंकि हाँ। और वो प्रिंसिपल से वो मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगा, आपको अभी बताऊंगा तो वो आपको सुनने में इतना मजा नहीं आएगा, पर जब आप ये नॉवेल पढ़ोगे आपको लगेगा कि आप महाराज के साथ युद्ध कर रहे हो, आप महाराज के साथ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। और छत्रपति संभाजी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे मेरे के सामने आए शेर से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे मार के खाना चाहता है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ उन चूहों से जो मेरे घर में है। जब औरंगजेब उन्हें जीत नहीं पाए, जबकि उनके पास 800,000 सेना थी जिसमें हत्ती घोड़े सब थे, फिर भी वो 70,000 सेना को हरा नहीं पाए, तब फिर औरंगजेब ने अलग अलग तरकीबें आजमाना चाहा। उन्होंने उनके जनरल्स को जो मराठाओं के सरदार लोग थे उनको पैसों से खरीदने की कोशिश की, बट उन्होंने बहुत से सरदार को पैसों से खरीदा, बट जो होता है ना, जो कॉमन पीपल जो उनके आर्मी में थे वो उनको कभी खरीद नहीं सके। तो फिर ऐसे उन्होंने हर वार झेले, उनके अनेक अपनों ने उनको धोखा दिया और वो औरंगजेब के शरण में आ गए। फिर भी इतना सब होने के बाद में उन्होंने एक किला भी मुगलों के नाम होने नहीं दिया। तो फिर फाइनली उनके एक अपने ने ही उनको एक बहुत बड़ा धोखा दिया, वो उनके उनके खुद के साले साहब थे। उनका और छत्रपति शिवाजी महाराज का मानना था कि अगर सामान्य इंसान को ऊपर आना है तो फिर टैक्सेस घटाने पड़ेंगे। और फिर उस वक्त का टैक्स सिस्टम इतना सिंपल नहीं था, तो उस वक्त के टैक्स सिस्टम कलेक्ट करने वाले पाटिल लोग और देशमुख थे, तो फिर वो लोग अपने आप में ही एक गांव के राजा थे। तो फिर मुगलों ने उनको फिर से उनकी वसीयत देने का लालच देके उनके सरदारों को जीता था। तो फिर उनके साले साहब ने भी उसी देशमुखगिरी के लालच में आके छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया। और आप सोच रहे होंगे कि औरंगजेब ने उन्हें बहुत ही आसान मौत दिया होगा, पर नहीं, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह मारा। उन्होंने उनके आंखें फोड़ दिया,
उन्होंने उनकी पूरी त्वचा निकाल दी, जो एक वाघ नख होता है, जैसे कि एक आपको 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 पता होगा कि एक आजकल काफी मतलब आजकल काफी फैशन के लिए एक ऐसा पाम नकल्स पहनते हैं, तो फिर उस नकल्स पे शेर के नाखून समान ऐसा स्टील का नाखून था, तो फिर उस वाघनख से उनकी पूरी त्वचा निकाली गई और फिर भी जब छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के शर्त बिल्कुल नहीं माने, तो फिर आखिरकार औरंगजेब उनको काट के एक नदी किनारे फेंक दिया। तो फिर उससे औरंगजेब को लगा था कि अब वो मराठा साम्राज्य आसानी से जीतेंगे, बट वो भूल गए थे कि ऐसा करके उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को अमर बना दिया। और फिर जब उनके साम्राज्य में सबको पता चला कि उन्होंने उनके महाराज के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, तो फिर सब लोग एकाग्रित हो गए थे और फिर उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। तो फिर इस नॉवेल से मैं एक बात तो सीखा हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज वे काफी, जैसा जो इंग्लिश टर्म अंडररेटेड, इंडिया में से मतलब अमंग मेनी इंडियन किंग्स, छत्रपति संभाजी महाराज इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन किंग्स, एंड जो उनके प्रिंसिपल्स है वो सिंपल और प्योर है। वो सब जान आपकी ये नॉवेल पढ़नी पड़ेगी, और फिर इस नॉवेल में आपको एक्शन भरपूर मिलेगा, फ्रेश क्या मतलब असली दोस्त कैसे होते, कौन होते, इनको कैसा पहचानना, ये एक्शन भरपूर है इसमें, और फिर रोमांस भी और फिर आपको इससे लीडरशिप स्किल्स काफी सीखने मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रोहिल, आपने बहुत अच्छे से इसका रिव्यू दिया, वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू। और आपने ये भी बताया जिस तरह से आपने वो डिस्क्राइब किया, 30 किलोमीटर लॉन्ग आर्मी, पता नहीं उस वक्त के राजा इतनी इतनी बड़ी आर्मी कैसे बनाते थे, तो बहुत ही मतलब वंडरफुल फैक्ट्स है इस नॉवेल में। और एट द एंड आपने जो बताया कि कैसे उनकी हार हुई और हार के बावजूद भी वो कैसे जीत गए, तो ये भी बहुत ही अच्छा लेसन है। इसके पहले आपने शिवाजी महाराज की बायोग्राफी पढ़ी थी, तो आपको कुछ इसमें कुछ डिफरेंस लगा, अंतर लगा? हाँ, मुझे डिफरेंस से ज्यादा दोनों के सोच में सिमिलरिटी ज्यादा समझ में आई थी, बट टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, मैं इतना समझ गया हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही वाज अ प्योर वॉरियर, क्योंकि वो बचपन से वॉर्स में जाते थे, वॉर्स कैंपेन, और छत्रपति संभाजी महाराज वो वॉरियर से पहले वो एक पोएट थे, वो एक कवि थे, वो बाहर से बहुत टफ दिखते थे वो, बट पर वो अंदर से फूल
नारियल जैसे कोमल थे वो. जो एक इंग्लिश में एक टर्म है, वो उनमें बहुत ज्यादा थी. आई गेस बिकॉज ऑफ हिज एम्पैथी ही बिकेम अ एक्सीलेंट लीडर. Very nice. So I think that is what we can learn from Sambhaji Maharaj about leadership, कि how you can be a good leader with empathy. क्या आप एक बार फिर वो बुक स्क्रीन पे ला सकते हैं, सो दैट आई सी द कवर, बिकॉज हाँ. वाह थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक बढ़िया. यू रोहिल फॉर द ब्रिलियंट रिव्यू. और आई रियली रेकमेंड पीपल टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स, बिकॉज वी कैन रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम रियल लाइफ पर्सनैलिटीज. थैंक यू रोहिल, दैट वॉज अ वंडरफुल दिस रिव्यू. एनीबडी हैज क्वेश्चंस टू रोहिल अबाउट हिज बुक रिव्यू और द बुक इट्सेल्फ? हाँ रवि, रवि यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. इसका प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? प्राइस आई गेस आई 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 गेस ये एक्चुअली ये मैंने बुक स्टोर से खरीदा था ऑनलाइन, आइदर ऑन फ्लिपकार्ट और ऑन अमेजोन. आई गेस इट विल 400 to 500. ठीक, थैंक यू, थैंक यू. आई जस्ट वांट टू कंफर्म, शिवाजी सनबाज शंभाजी एंड शंभाजी सनबाज शाहजी, इज इट राइट? या यस यस या एंड एंड हैव यू रेड एंड ही एंड ही वाज फिल्म या गो ऑन या एंड छत्रपति संभाजी महाराज सन वाज फेमसली नोन एज शाहू महाराज. साहू महाराज, शाहू यस महाराज, राइट, यस. सो डिड साहू महाराज कैरी कैरी ऑन दिस ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर, और वाज ही वेरी डिफरेंट, वाज ही वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर एंड ग्रैंडफादर? एनी आइडिया? हैव यू रीड हिज हैव यू हर्ड अबाउट हिज लाइफ आल्सो? या आई हैव हर्ड अबाउट हिज हर्ड अबाउट about his life. So yeah, so the thing is that he was more famous for his social reforms. More than his war campaigns, he was more famous for his social reforms and all. Right, yes, yeah. And I always find it very very intriguing, very intriguing and very interesting. मुझे कई मतलब काफी इस पे हैरानी भी होती है, और मैं इसको और गहराई में समझना भी मांगता हूँ कि ऐसा कब हुआ कि शिवाजी की डायनेस्टी जो है वो कर दिया पेशवाओं ने, पेशवाओं के हाथ में असली ताकत कैसे और कब चली गई. मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि शंभाजी और शाहजी के जीवन काल में ही पेशवा लोग बड़े बहुत ही ताकतवर होते चले गए. हालांकि उन्होंने भी अच्छे काम किए और उन्होंने भी हिंदवी स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाया, मगर ये एक पॉइंट हिस्ट्री का है जो मैं कई बार अपने आप से समझना मांगता हूँ. तो कभी कुछ पता चले आपको रोहित, आप जरूर मुझे बताना ये कैसे कैसे हुआ ये. जी हाँ जी ये लंबा सवाल है, मुझे मालूम है टाइम लेगा काफी. मैं हाँ हाँ अरे हाँ ये सर सर ये जितना मैं समझ पाया हूँ उस उसकी शुरुआत तब से हुई थी जब जब छत्रपति संभाजी महाराज का देहांत हो गया था. और फिर संभाजी महाराज के बाद थे उनके छोटे भाई और छत्रपति राजाराम महाराज. उनकी भी काफी छोटे जब जब वे काफी छोटे आयु के थे तभी उनकी एक
एक बीमारी से देहांत हो गया था, तो फिर उसके बाद पेशवाओं ने ही पूरी पूरे राज्य को संभाला, यही हुआ था। तो खैर मतलब इसमें और बहुत कुछ है, मेरे ख्याल से ये दो तीन पीढ़ियों के ऊपर हुआ है। ये पेशवाओं में भी कोशिश की, पेशवाओं में भी शायद थोड़ा सा राइवलरी थी, कंपटीशन था कि कौन पूरे साम्राज्य को चलाएगा, मराठा साम्राज्य को। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच रोहिल, आपने बहुत ही, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आमतौर पर कहलाने वाले इतने गहरे और गहन विषयों का अध्ययन नहीं करते आमतौर पर हम लोग हल्की फुल्की बुक्स पढ़ते हैं, मगर आपने बहुत ही गहराई से इतिहास पर आधारित इस किताब को पढ़ने का प्रयास किया और उसको शेयर भी किया हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम माई ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर बजाज फ्रॉम अमेरिका, नाइस टू सी यू। देयर वाज अ लॉन्ग साइलेंस, मैं सोच रहा था कि पता नहीं डॉक्टर साहब बिजी हो गए हैं क्लासेस में, लेक्चर्स में और कॉपियां चेक करने में शायद नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, हैप्पी 22 टू एवरीबॉडी। आई जस्ट वांटेड टू शो अप एंड से हेलो, सॉरी आई एम अ लिटिल लेट, उसकी एक प्रायर ज़ूम कॉल थी एक्चुअली 8:30 to 9 यहां पे, इसलिए आई केम एज़ सून एज़ आई कुड, बट आई एम हैप्पी टू जस्ट बी हियर एंड लवली टू सी एवरीबॉडी एज ऑलवेज। लव यू हरीश, थैंक यू, थैंक यू, लवली टू सी यू टू Dr. Bajaj, and a very happy new year to you too. So, abhi aage badhte hain. So, the next speaker in the agenda is Ravi Nigam, and Ravi Nigam apne blog ke bare mein bolna chahenge, jiska title hai Kuch Khoya Kuch Paya. So, Ravi, over to you. बताइए कि ये इस ब्लॉग के बारे में बताइए और आपको कैसे मोटिवेशन मिला ये ब्लॉग को लिखने के। जी बिल्कुल, ओवर टू यू। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। एक्चुअली अखलार तो पहले से ही थी, लेकिन एक चीज थी कि कुछ चीज जैसे ऐसा होता था कि अगर कुछ चीज बहुत बर्डन दे रही है आपको बहुत ज्यादा, तो मैं सोचता था कि उससे आगे निकला जाए, मतलब वहाँ ठहरना, मतलब वहाँ ठहरा ना जाए। तो कभी कभी हार जाता था, लेकिन वो बटन रहता था कि नहीं हारा कैसे, एक बार ट्राई तो करना था ना एटलीस्ट, हार जीत तो बात की बात है। तो ये ऐसा ही हुआ, पोएट्री लिखने का शौक तो कब थोड़े समय बाद समझ में आया कि हाँ कि थोड़ा लिख सकता हूँ, तो मुझे फिर लगा कि चलो ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो एक वीडियो एक आई, तो मेरे को लगा कि हाँ ये पोएट्री की है, देखा तो किसी ने बहुत अच्छी कही और काफी कमेंट्स है उस पे, तो मेरे को लगा कि रवि तू भी लिख सकता है तो लिख ले, तो मैंने कहा ठीक है लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखी, तो फिर मेरे को याद आया कि ठीक है तू लिख तो लेगा, लेकिन जो बिगनिंग के अंदर जो बोला जाता है वो कैसे बोलेगा कि मेरे कवि कवि कविता का शीर्षक ये है, अगर वहां पर अगर स्टैमरिंग हो गई तो फिर तो गया, फिर तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो थोड़ा डर रहा। लेकिन कहा ना कि जैसे वो इकट्ठा होता गया फिर कहा क्या नहीं ट्राई तो करूंगा। तो शायद दिल्ली का सबसे बड़ा पोएट्री हाउस है सोशल हाउस, तो वहां ट्राई किया, तो उन्होंने सैंपल मांगा कि आप सैंपल सेंड कर दें तो हम आपको देख लेते हैं, तो मेरा उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो फिर वहां जाने में डर लगे कर तो लिया, फिर जाने वाला डर कि वहाँ क्या होगा। तो जब वहाँ पहुँचा तो फिर वो कम से कम 50-60 लोग थे, और लगा कि अब तो नहीं होगा, वहाँ जाते ही लगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। मैंने अपने आप से ये कहा कि अगर यहाँ तक आया है तो ऐसे जाना नहीं है, बोल के जाना है, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 लगे, चाहे ये सब मेरे पे हंसे चाहे मजाक बनाए, उसका कोई वो नहीं है। मेरे पास जो लिखे तो जो कागज है इसको जरूर सुनाना है, तो मैं सुना क्या है, एंड आई वाज अ बेस्ट परफॉर्मर, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि वो भी काफी अच्छा लगा। तो ये था एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, इस एक्सपीरियंस के बाद
एक चीज तो मेरे दिमाग में आ गई कि जिंदगी में कुछ भी करूं या ना करूं लेकिन ट्राई जरूर करूंगा, चाहे मेरे से होए ना, वो एक अलग बात है, क्योंकि इससे मुझे फायदा भी हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद POPG को भी ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन मैंने कहा ट्राई तो मानना चाहिए और मेरे को अच्छा ही लगा, मेरा फायदा ही हुआ उससे, बहुत कुछ ही सीखने को मिला सचिन जी से, ऑलविन जी से, अमित जी से, उन्होंने मेरे को याद है उनके अभी सेशन जो उन्होंने लिए थे, दो बार आए थे, तो कोई वाला पुश वाला पुश करो वो मेरे अंदर भी है, तो मुझे याद है वो भी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी मोटिवेटेड था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। और एक और बात, जब आप ये इस ब्लॉग को लिख रहे थे और जब आप वो मेमोरीज वापस आ रही थी, तो क्या एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आपको आपका मैसेज हुई? हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ हरीश जी, उसमें जैसे सेशन के बाद तो हर किसी जो जो वहाँ पर आता है उसको एक कागज देते हैं, चिट देते हैं कि आपको जिसके बारे में लिखना हो उसके बारे में लिख दो, लेकिन जिसको देते हैं उसको ये कहते हैं कि आप पढ़ना मत, आप घर जाके पढ़ना, और ये आपको शायद जिंदगी में कुछ काम आए, ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ मोटिवेट करे। तो मेरे को उन जितने लोग आए थे उनमें से लगभग हर किसी ने मेरे को लिख के दिया, तो जब मैं घर पे आया, जब मैंने खोला उनको, मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उन लोगों ने कहा कि, और वहाँ कुछ काफी कुछ अच्छे भी लोग थे, बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब पोइट थे वहाँ पर थे, कवि थे, पोइट थे, वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छा लगा, तो काफी अच्छा लगता है, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा। और एक बात तो अभी बिल्कुल पक्की है कि उस कवि सम्मेलन में जो भी आपने वो कविता रिसाइट की थी वो एक बार और हो जाए। याद नहीं चली, लेकिन आप मुझे अच्छा, अच्छा, कोई और भी कोई और बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक्चुअली मैं आपको कुछ सुना सकता हूँ, दो दो लाइनों के जो मैंने ही लिखे हुए हैं, एक सेकंड लीजिए। इरशाद हाँ, एक ही है कि दिल में एक तहखाना है, दिल में एक तहखाना है, मिल जाए तो मैखाना है, उसका जाम है हर होशों की दवा, उसका जाम है हर होशों की दवा, बस हमें सिर्फ चाबी का पता लगाना है। चार लाइनों का है। वाह वाह, और क्या बात है, धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह, तो बहुत ही मोटिवेशनल रहा आपका ये इंसिडेंस और आपकी ये कविता भी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बात करके और आपका जो अनुभव है वो सुन के। एंड आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव, द अदर टू पार्टिसिपेंट्स वेर नॉट एबल टू जॉइन बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स, सो सिंस वी हैव सम टाइम आई वुड लाइक टू स्टेप इन एंड डू अ सरप्राइज रिव्यू ऑफ वन ऑफ द बुक्स विच आई हैव रेड रिसेंटली। इट वॉज इन माई list for a long time, but I managed to read it only now. It's a 10 year old book. It's called, and it's very popular. It's called The White Tiger by Arvind Adiga. Last year us par ek movie bhi aayi thi, but the book is special. So just for a brief review about the book. The book is about a underprivileged person, okay, who comes from a very a very poor family, okay, and kya hota hai ki they are the thought in their minds is ingrained that you know they are born to serve the rich people, so that's how he was also brought up. He was a very bright student, okay, this character, he was a very bright student. He wanted to study
he even managed to get scholarships, but because of his family situation, he was forced to come out of school. Okay, and he was forced to work in a shop. So, and what happens after that? You know, he is not liking that this. He is not liking that kind of life. He wants to learn. What he does? He starts listening to people. He starts listening to other people's conversation. Okay, without them knowing. And this way, he learns about many things. He learns about society. He learns about life. What is going on around? Subsequently, he decides that, you know, through these conversations, that driver banne mein bahut hi acha scope hai. Matlab aap bahut bahut acha kama sakte hai. So he decides to learn. He decides to learn to drive. And but at that time, what happens is he comes from a caste called Halwai. So even when he goes to learn to drive, people say, "Aap to Halwai ho, driving kaise?" So the way this author has written the whole experiences of this character and the way he is describing, that is very wonderful. You can actually live the entire this character's life as you read it. Is something which I really liked, and the way the style of writing is such a way that it tells you a lot of things, the darker side of the Indian society, the you know what we call as the patriarchy, the narrow-mindedness of how we live, and I won't reveal about more about the storyline. But I think most of the people already know because it has been a very popular novel. He is working with a family, very rich family. It's like the Thakurs of his gaon, and they consider poor people as very this winning. Something which is not equal, okay, and this anger, like because of this treatment, there is a lot of anger in him that, you know, I want to break out of this mentality, that, you know, I want to live anybody's life, I want to live a free life, and that anger makes him to, and how he breaks out of this mindset and light and this life is by actually killing his own master. Okay, and the irony is that he is actually the driver of this this one member of the family, and he was the one who is a US return, who has stayed in US for a yes. Yeah, you're on mute, Dr. Sachin. I want to say only one thing. Invite Rishabh and let him recite his poetry. I think he want to say something, Rishabh. He just went out of the room. Acha, theek hai. If he whenever he wants to come and, you know, jump in, he's most welcome. Yeah. Sure, thank you. Thank you so much. Please carry on, Harish. Yeah. So okay. So what happens is he has to kill this person, and he is the only person. He and his wife are the only person, only people in the entire family who are who actually understand his point of view and who try to say that, you know, you are equal. Okay, they try to give him some kind of freedom, but he has to kill him to come out of that. This so that is the irony of this entire story.
I think I like the way it is written, and in the process of storytelling, a lot of darker sides of the Indian society is revealed. It's something which I really like. After reading this novel, I saw the movie, but I would prefer reading the novel. That experience was much better. This is what I felt. So if you haven't read this book yet, do read it, The White Tiger. It's very nice. Yeah. So that's all from my side. The unplanned review. And does anyone have to share something about what you have read? Dr. Sachin, you are saying something? I was saying, if Amit has got some unplanned review, if he has been reading something, if he want to share something funny, something interesting. I have to think about that, but I do have a comment for Ravi. TOPG में आई थिंक टास्क 19 था या 20 था जब आपने फीडबैक दिया था TOPG को, इफ आई कैन एड्रेस दैट फॉर अ सेकंड. आपने एक्सप्रेशन यूज किया था जो कि दैट हैज स्टक इन माय हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस एक्सप्रेशन मेनी इयर्स अगो बट आई डिड नॉट रिकॉल इट अंटिल यू सेड इट. सबसे बड़ी चीज जो आपके आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हुई कि आपकी जो हीन भावना जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया था जो 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 अपने ऊपर जो अपने सेल्फ डायरेक्टेड हीन भावना जो है वो कम हो गई है या वो चली गई है टीओपीजी के एक्सपीरियंस के द्वारा. तो ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दिस आई थिंक इज द नब ऑफ द इश्यू. हम लोग बहुत अपने आप को स्टिग्मेटाइज करते हैं, सेल्फ स्टिग्मा एम्ब्रेस करते हैं और नहीं सोशल स्टिग्मा एम्ब्रेस करते हैं और जब हम उसको विन इन एक्सटेंट आई थिंक दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. दैट्स व्हेन थिंग्स लाइक फियर, यू नो, यू कैन टेक मोर रिस्क्स, यू कैन डू ऑल दिस स्टफ बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज लेस दैन. That is a very important thing, I think, that whether it's speech therapy or any kind of a transformational change, whether it's self-help group, jo bhi hai, agar aap us stage mein agar pahunch sakte hain ki aapki apni heen bhavna kam ho jaye, I think that is a very important pivot in the transformation. So I don't have a review of a book, but I have a review of what Ravi said. So I just wanted to thank say you so that. Much. Your words so much. Thank you so much, Avicii. And I think we had a wonderful meeting. We are nearing the end. Though we did not have a lot of people attending, but we had a lot of knowledge shared. So it was a fruitful meeting. And I hope to hear more from you next time, Shubham Kumar, about your poetry, your own poetry. And I think that's all we have for this meeting. Any closing comments, Dr. Sachin? I just want to find out from Amit, has he been watching Modern Love and what does he think about it? Amazon Prime. Yeah, I saw your link for that one episode. I think that's one of the best episodes in the series, actually. I've seen the first season. I've seen a lot of the second season. I don't think it really matches up to the first season that well. I think the stories are much more interesting and much more compelling in the first season. But this is sort of like I thought this was the best one of the first season, definitely. You were going to say something as well. You had said in your text as some kind of review of it, I think. Actually, I already shared it with people because as soon as we started, Shubham said something like that, ki, I left my last job because I was very insecure in my last job. So I said, that episode has been especially made for you only. But actually, it's made for all of us. And
when I began watching Modern Love, I never believed that something like this could come out of America. I never thought that they would treat love, in this kind of format. But I discovered that every story was a very human story and sounded very original, very real. There was no Bollywoodization, no romanticization of the basic thing. It was very all, and best thing is every episode is a complete story in itself. So I've been watching it pretty regularly. And as I jokingly said to Harish that I have no intention of falling in love, but it doesn't hurt to learn about it. How does it happen? Why does it happen? It's also a really interesting. It's also a really interesting series because love is not just romantic love in the whole thing. It's like love in all its different forms. That is what I liked about it, because I think that's what I think what you're saying is resonating as well in terms of a story like this coming out of here. There are lots of romanticized the notion of love oftentimes in these, as you're saying, Hollywood is like heavily romanticized and dramatized and all that. So this was very authentic in its way. It was exploring different facets of love. I really liked it as well. You can look at the bipolar episode as being self-compassion, self-love, level of acceptance. You can see it from all of those angles as well. So, yeah. Have you seen the episode one of season two? Episode one of season two about the serpentine road. Yes, I've seen it, yeah. But when I saw that episode, I immediately understood why I don't want to sell my 8-year-old nano car. Nano. My nano is old, decrepit, pretty bad. And people keep on saying, certainly you can afford to buy something better than nano. Sell it off. But I don't want to sell it off, because whenever I drive it, I feel as if Marion is sitting in the passenger seat next to me. And she's talking and she's saying, what's the hurry? Calm down. Slow down. So after that, I became quite hooked to this Modern Love thing. Every story is a very nice story. Very humane, very close to life, close to realities of life. Amazing. I really can't wait to watch the episodes. After seeing you discuss this, really, I'm going to watch this for sure. देखने लायक है. But Harish Makkar, but before we conclude, we need to put our brains together and brainstorm how to encourage people to write and read and participate in these activities. Because in our blog, in spite of distributing books as prizes to all the participants, right, left, and center, people are not writing enough. Amit, what do you think? What can we do? How can we light a fire under their back? I don't know. I have to think about that. I think the incentives are lovely. I think it's also the idea of sharing something here to verbally express yourself. I think that is a big opportunity for a lot of us, for all of us, being able to express ourselves in this particular form. So I think there are probably several ways to advertise it. There are several ways to incentivize to itch it. But I think it's a slow process. I think it's going to be seasonal to a certain extent. People are going to be more involved in certain phases of the year, less so in certain phases of the year. As long as you have some recruits on a regular basis, we can keep going for a while and then keep, thinking about ways. Why not we actually start executing the idea of our short story writing contest? I think if it is a contest, I think then people will be motivated to participate and start something. We should offer Nano as a first prize. A Nano car.
एक बात और भी है, हम लोग शायद ये भी हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा, लिखी हुई चीजों का पूरा स्वागत है, यानी ब्लॉग पोस्ट को हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में तो खैर लिख ही सकते हैं, हिंदी में भी लिखें, एक ही पैराग्राफ लिखें, लेकिन लिखें तो सही। Correct. Yeah. Yes. So let's try and do everything we can to encourage and motivate people to write. And hope we get more entries. Ravi, you wanted to say something? You have raised a hand. हाँ जी हाँ जी। सर मैं सोच रहा था कि TOPG में एक टास्क इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी के पास ऐसी इंसिडेंट हुआ जिससे वो मोटिवेटेड हुए, या कोई सी भी हम जिससे टॉपिक करके, तो आप वो लिख के दें और जो भी वॉलंटियर हैं उसको छांटे, और जो 3 बेस्ट हैं या 2 बेस्ट हैं उसको हम ब्लॉग पे अपना पब्लिश कर दें। तो इससे ये होगा कि हमको 1 या 2 शायद हर ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, जो भी लिखने का जिसको इंटरेस्ट है वो शायद हमको मिल जाएगा, फिर वही बंदे अपना लिखेंगे। तो शायद TOPG के करते करते, जैसे TOPG के 4 सेशन हुए, अगर हमको 4 भी मिले लिखने वाले तो 4 तो मिलेंगे कम से कम, ऐसा सोच रहा हूँ। It's splendid. I think that's a wonderful sort of an idea. I think it's because the Reading Writing Club came out of the TOPG experience anyway, so it forms a nice connection as well. Yeah. That's a yeah. Very nice suggestion, actually. Something. Shubham, you want to say something? Sir, अपने लिखी हुई कविता पेश करना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल सर, वो हिंदी में है। आप बोले। जी सर, सर ऐसा ही मतलब थोड़ा मोड़ा कलम चला लिया था और क्या सर, को सुनिए। हाँ सर ये पेश करता हूँ सर। एक कर एक कर दो चार हुई, बेजार हुई, एक प्यास अनोखी देखी ऐसी, एक राखी सूझी ऐसी, शून्य शून्य से शंख बजाकर, हर जख्म पे अपने शस्त्र बनाकर, सॉरी हर जख्म को अपने शस्त्र बनाकर, मन से एक तीव्र पुकार उठी, शूणित में अपने धार उठी, शूणित से अपने सींच सींच कर, हर दर्द को अपने भींच भींच कर, एक अद्भुत ख्वाब को ढाला हमने, उस ख्वाब पर लहू उछाला हमने। तो पर मैंने और इसका सर तो मैं खुद नहीं पसंद के मतलब कोई अगर कवि करके भेजेगा तो उसको चलेगा ना। अब आपने जो अपनी कविता लिखी है ना, आपने जो कविता लिखी है उसको आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप किसी के भी द्वारा हरीश भाई को आप व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, तो वो उसको ब्लॉग पे उसको छाप देंगे, उसके बाद फिर आपको सीधे ब्लॉग का एक्सेस दे देंगे, तो आप खुद ब्लॉग पे अपने पोस्ट डाल पाएंगे। इसे तो मैं सर सर भेज दूंगा आप, और बाकी किसी और की भी मतलब कविता पढ़ के हाँ, मतलब वो आप अपने आवाज में। जी
उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा तीसरा, तीसरा का जो तीसरा का एक जनरल पर्पज सेल्फ हेल्प ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसमें हजार से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, तो उसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके कविता का पढ़ते हुए उसमें आप छोड़ेंगे तो बहुत से लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और आपको उसके ऊपर फीडबैक दे पाएंगे, तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। हरीश बाइंड अप किया जाए, कुछ अमित कुछ कहना चाहते हैं, अमित या सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम अमित? आई गेस माय ओनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स आर दैट that the new year is provides a lot of opportunities. I think we should just seize on those opportunities going forward. The idea of, you know, thinking about more projects for TISA, more involvement, more expansion, whether it's TOPG or anything else. I look forward to all of those new initiatives going forward in 2022. And I also hope to be more involved. I said to Atinji earlier that, you know, last April, jab hamara initial contact hua tha, so I told him that I want to give myself a year to sort of experiment and play around with different projects over here. So I think that I'm a slow learner, so it's taken me a long time to get up to this point, but I think I would like to get more involved with the projects going forward and everything else, but I look forward to all of it. So that's my only concluding remark, and look forward to seeing everyone again really soon. Thank you, Amitji, and really looking forward to do a lot more in this year. Happy New Year to everyone. And let's do more this year. Thank you, everyone. And good night. Thank you. Thank you, sir. Good night to all. Happy New Year to all. Good night, sir. Sachin ji, aapko bhi.